अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, साथ बच्चों का भी कर रही हूँ। आज जो है मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। वैसे मैं बच्चों से पहले उठती हूँ और 1-2 घंटे पे थोड़ी सी मेरी अपनी मॉर्निंग रूटीन होती है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं बच्चों को उठा देती हूँ, तो उनका सारा आज रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ। रात को काफ़ी लेट में सोई, तो फिर सुबह उठने में ज़रा टाइम हो गया। ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि बस उठी तो बस इनको उठाने का टाइम हो गया था, वरना मैं इन लोगों के उठने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो मुझे अपने काम होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, थोड़ा जो है मैं अपनी बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, या कोई और काम होते हैं तो उस टाइम पर मैं कर लेती हूँ। मिशाल अपना खुद ही तैयार हो जाती है माशाल्लाह से। इन दोनों को जो है मुझे देखना पड़ता है, तो सारी तैयारी करके कपड़े वगैरह चेंज करके ब्रश करा के मैं इन लोगों को नीचे ले आती हूँ। वीकडेज़ में ज़्यादातर मैंने कुछ ना कुछ प्रेप किया हुआ होता है, या सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो ये जो है छोटे से मेरे हेल्पर हैं और ये मेरी हेल्प करते हैं सुबह, तो सब कोई प्लेट सर्व करने में भी हेल्प करते हैं, चीज़ें निकालने में, जो जो उसको काम आती है ना वो सारे ही माशाल्लाह कर लेता है। कभी कभी चीज़ें मैंने जैसे पैनकेक्स और सैंडविचेस, कभी कुछ बना के मैंने फ्रीज़ किया होता है, फ्रेंच टोस्ट वगैरह हो गए, कभी जो है मफिन्स हो गए, या कोई बेकरी का आइटम ऐसा होता है बना के मैं घर में रख लेती हूँ, और फिर उनको फ्रूट्स के साथ, कभी चीज़ स्लाइसेस के साथ, कभी जो है स्क्रैम्बल एग बना देती हूँ। तो आज जब लेट हो गए थे तो बस मैंने मफिन्स दिए थे, साथ थोड़े फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। सुबह इन्हीं की चॉइस होती है, कभी कभी जैसे सीरियल खाते हैं तो कभी दूध पी लेते हैं, कभी जो है कहते हैं खुद ही तो ऑरेंज जूस दे देती हूँ। तो दूध में जो है वो मैं कभी चॉकलेट मिल्क मिला देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरी वाला, कभी ये रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला देती हूँ। वहाँ मिशाल तो आराम से अपना खा लेते हैं, छोटी का बस ये है कि इसको होता है कि हर चीज़ नीचे फेंको, तो इसको ये जो है ना 10 मिनट से ज़्यादा बस चेयर पे नहीं बैठती। तो इसको मैं सर्व करती हूँ, और जब ये बस खा लेती है ना, तो इन ये दोनों अपना खाते रहते हैं, उसके बाद मैं फिर अपना चेंज करती हूँ और तैयार होती हूँ। सुबह जो है ना क्विक सा मेरा स्किन केयर होता है, लेकिन मैं मस्ट करती हूँ हमेशा, और हमेशा वॉश करके फेस, रात में भी सोती हूँ तो मेकअप वगैरह सब उतार के और स्किन केयर करके सोती हूँ। तो जब उठती हूँ तो उसके बाद फिर से वॉश करती हूँ, ब्रश वगैरह, और फिर जो है स्किन केयर सारा करके फिर मेकअप करती हूँ। मेकअप भी बहुत मैं इजी सा करती हूँ, सिंपल मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सुबह 10 मिनट होते हैं तैयार होने के लिए। तो जिस दिन मैं जल्दी जैसे उठती हूँ तो फिर मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन मेकअप को मैंने बस 5-10 मिनट ही दिए हैं। तो जल्दी जल्दी बस मैं कंसीलर लगाती हूँ, ज़्यादातर जो है बस उन्हीं स्पॉट्स पर जहाँ पर जैसे डार्क सर्कल्स हैं या कोई एक्ने स्पॉट है। तो अब ब्लश मैं ज़रूर लगाती हूँ, ब्लश लगाने से ना थोड़ा सा फेस पे कलर भी आ जाता है, और आप बहुत ज़्यादा सोए सोए नहीं लगते, क्योंकि जहाँ हम लोग के बच्चे जाते हैं ना पढ़ने, वहाँ पे सब लोग जो है ना तरीके से ही आते हैं, तो मुझे होता है कि मतलब बिल्कुल ऐसा ना लगे कि सो के उठ के आ गए। तो एटलीस्ट इतना हो कि बस हल्के फुल्के मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बहुत फैंसी नहीं, और जो है वो बस इतना हो कि प्रेजेंटेबल आप लगें। एक बड़ा इजी सा हैक मैं बताती हूँ, अगर जैसे आपने आईलाइनर मस्कारा वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आप जैसे आई पेंसिल लेते हैं ब्लैक वाली, वो आईज़ के ऊपर जैसे लगा के आईलिड के ऊपर, और हल्का सा हाथ से स्मच कर लेना, तो ऐसा जो डेप्थ आ जाती है आँखों में, और जो है लाइनर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आईब्रो पे बस मैं जेल लगाती हूँ, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ, और लिप्स ज़रूर लगाती हूँ, कोई ना कोई ग्लॉस वगैरह लगा लेती हूँ। लंच जो है बच्चे स्कूल में करते हैं, हम लोगों ने इस साल जो है ना सबका फ्री है लंच, तो वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर कोशर होता है, तो वो जो है हम उनको स्कूल में जो है लंच कर लेते हैं लोग, और घर से जो है वो स्नैक और नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, क्योंकि जब वापस आते हैं तो फिर से जो है उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ ना, तो उसको घर पे छोड़ के जाती हूँ, अपने दादा दादी के पास होती है, तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, ये वहीं पे खड़ी होती है और खिड़की से देखती रहती है, और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ ना, बस ये मेरी गोद में आ जाती है, उसके बाद जो है वो फिर मैं जैसी जैसी जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे रहती है। नाश्ता मेरा भी बड़ा सिंपल होता है, लेकिन मैं जब स्कूल से छोड़ के आती हूँ तो ही मैं नाश्ता करती हूँ, अगर जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो फिर करती हूँ कि मैं कुछ स्नैक खा के फिर चली जाती हूँ, अगर आज जैसे शॉपिंग पे जाना होता है तो मैं फिर नाश्ता नहीं करती, तो वापस आके फिर स्नैक वगैरह खा लेती हूँ।
बच्चे हैं, मेरे साथ ही थी तो इनके साथ ही नाश्ता मैं कर रही थी, तो इनको भी ओट्स दे रही थी अपने लिए भी, तो मैं बना के ना एक दो दिन का रख लेती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने बड़ी अच्छी मज़े की थी, वो मैंने शेयर की थी पिछली वीडियो में, तो आप वो चेक कर लें, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। नाश्ता वगैरह करके हम लोगों ने जाना था लाइब्रेरी, इसका स्टोरी टाइम था, तो उसके लिए जो है बस मैं स्नैक वगैरह पैक कर रही थी। तो ये एक कंपनी है यहाँ पे रीप्ले, उसके कप्स है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, और जो है इसमें आप कितने भी लगा सकते हैं एक के ऊपर एक। तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा होता है कि ड्राई जितनी भी स्नैक्स होते हैं ना वो मैं इसी में रख लेती हूँ, और क्योंकि लाइब्रेरी में जो है वो अंदर अलाउड नहीं होता ना, तो वहाँ पर ईजी टू क्लीन होते हैं कि सीरियल रख लिया, गोल्ड फिश रख ली। नोआ और मिशाल की तो अब इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए अभी भी मुझे जो है ना बैग तैयार करना पड़ता है। तो मैं जब भी इसके साथ बाहर जाती हूँ ना थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर मैं बैग पैक लेके जाती हूँ, तो उसमें कि इसकी डायपर, वाइप्स, एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेती हूँ, उससे कि पीछे हैंग करने में आसानी होती है और फिर हाथ फ्री होते हैं, तो उसको गोद में भी उठा सकते हैं क्योंकि चल के जाना होता है, और जो है वो मतलब हाथ फ्री हो तो आप काफ़ी काम कर सकते हैं साथ में। लाइब्रेरी हमारी काफ़ी करीब है, 5 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि हमारा जो घर का एरिया है वो काफ़ी जो है वो मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं है, और जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा एरिया है, लेकिन जहाँ हम लोग चाह रहे हैं घर लेना है, तो वो अभी तक हम लोग जो है वो सोच रहे हैं कि जिस एरिया में हमें चाहिए वहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तक जो है प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि जो है वो अभी अब तक हमने प्लान नहीं किया। इंशाल्लाह बस दुआ कर रहे हैं हम लोग कि जैसी प्राइसेस थोड़ी डाउन होंगी तो फिर हम इंशाल्लाह अपना घर ख़रीद लेंगे। हम जहाँ रहते हैं वो जो है एरिया इतना अच्छा है, वहाँ से बीच भी करीब है, लाइब्रेरी भी है, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, सब कुछ मतलब ऐसा है कि हम मिडिल में हैं, और बाकी सब कुछ जो है 5-5 मिनट की ड्राइव पे है। तो अब बच्चों को मैं यहाँ ले आती हूँ, ये मिशाल भी यहीं आती थी, नोआ भी यहीं आते थे, अब दोनों स्कूल जाने लगे, तो माशाल्लाह से इसका आज फर्स्ट डे था, इसको मैं लेके आई थी। अगर आप US में रहते हैं तो हर स्टेट का, हर जो है वो काउंटी का अपनी अलग लाइब्रेरी होती है, और हर किसी का स्टोरी टाइम ज़्यादातर होता है, ख़ासतौर पे किड्स के लिए, और वैसे तो प्रोग्राम्स अडल्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ना इस जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो बड़े बच्चों के लिए भी हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हैं, तो एज अप्रोप्रिएट हैं। तो जो इसकी एज का टाइम था वो सुबह का ही टाइम था, तो इसको मैं लेके आ गई थी, इतना खुश थी ये माशाल्लाह। स्टोरी जो है ना अकॉर्डिंगली जितनी एज है, जितने एज के बच्चे हैं उस हिसाब से स्टोरी टाइम करते हैं, उसके बाद इन्होंने एक प्ले एरिया बनाया हुआ है, उसमें जो है बच्चे खेल सकते हैं। तो पहले हमने स्टोरी टाइम किया था, आधा घंटा उसके लिए था, उसके बाद जो है वो प्ले करने जो है बाहर एरिया में चले गए थे। अच्छा, इनके लिए ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है ना, तो जब बाहर जाती हैं तो फिर आके इतना थक के सोती हैं, तो ये जो हैं अपनी नैप लेने लगी थी, इनको मैंने बस दूध दे के लेटा दिया था, और मेरे जो हैं बस किचन के और घर के काम शुरू हो गए थे। ये जो मेरे पास 1-2 घंटे होते हैं ना जब ये नैप लेती है, तो ये मेरा पावर आवर होता है, इसमें जो है ना जो काम भी मैं कर सकती हूँ ना वो जल्दी जल्दी सारे निपटा लेती हूँ, उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। अगर आज मुझे मील प्रेप नहीं करनी होती तो जो है वो मैं सफ़ाई कर लेती हूँ और डिश वॉशर लगाया और बाकी किचन के काम हो गए, लेकिन जिस दिन मील प्रेप करनी होती है उस दिन फिर मैं सफ़ाई वगैरह नहीं करती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक साथ मैं तैयार कर रही होती हूँ। अच्छा, डिश वॉशर का काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे लगाते हैं और जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो हर मशीन वैसे डिफरेंट होती है, लेकिन प्रोसेस एक ही होता है कि आपने अच्छी तरह से बर्तनों को खंगाल के, मतलब पूरा जितना ट्रैश वगैरह लगा हुआ है और बहुत स्टिकी है तो उनको साफ़ करके और बर्तन रखने होते हैं, लेकिन इतनी स्पेस रखनी होती है कि मतलब जगह ज़्यादा ना हो, और बस आपको साबुन डाल के स्टार्ट करना होता है। अच्छा, पीटा ब्रेड मैं आज फ्रीज़ करके रख रही थी अपने लिए, तो ये मैं बहुत हेल्दी वाली रेसिपी बना रही हूँ, उसके अंदर आपको जो है 1.5 कप पानी चाहिए, फुल डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट चाहिए आपको, इसमें 2 टेबलस्पून जो है शुगर डलेगी, लेकिन मैं उसकी जगह हनी डाल रही हूँ ताकि फुल हेल्दी सा बने। इसी में मैं ब्रेड मशीन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको सिंपल बॉल में जैसे बनाते हैं, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप पहले डालें, कि जैसे मैंने इसमें 4 कप जो है वो होल व्हीट फ्लार लिया है जो 100% होता है, तो आप इसको जो है वो पहले बॉल में डालें, फिर नमक डालें और उसके बाद जो यीस्ट डालें और फिर पानी डाल के इसको गूंद लें।
ब्रेड मशीन में उल्टा होता है, उसके अंदर जो है पहले लिक्विड डालना होता है, उसके बाद जो है वो ड्राई इंग्रीडियंट्स डालने होते हैं। फुल रेसिपी इसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको पता चल जाएंगे। मैंने इसमें बस ये किया है कि सारी चीज़ें डाल के इसको साइकिल स्टार्ट कर दिए। इसमें मैं बस ये कर रही हूँ कि डो को मिक्स करके और फिर छोड़ दूँगी मैं 1 घंटे के लिए, तो ये खुद ही राइज हो जाएगी। अच्छा, वैसे मैं मल्टीटास्किंग बहुत करती हूँ, लेकिन जब मैं किचन में होती हूँ ना तो दो ही काम एक साथ करती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि जैसे अब ब्रेड मशीन में डो जो है राइज हो रही है, तो तब तक जो है मुझे अंडे बॉईल करने थे, तो इंस्टेंट पॉट में मैंने कहा कि अंडे बॉईल कर लेती हूँ। ये मैं काफ़ी वीक में ना करके रखती हूँ, तो इसके सैंडविचेस भी बना लेती हूँ। और जो है वो चीज़ों के लिए ऊपर जैसे ड्रेसिंग करते हैं आप, उस तरह से ऊपर सैलेड के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, जो के लिए बड़ा हेल्दी स्नैक है। अगर कुछ भी नहीं खाते ना, अंडा बॉईल करके दे दें उस पर काली मिर्च नमक वगैरह डाल के, तो ये भी फिलिंग भी है और उसमें प्रोटीन्स भी हैं, तो यही स्नैक बहुत है बच्चों के लिए। इंस्टेंट पॉट में ना 2 मिनट में अंडे बन जाते हैं, आपने बस डाल के पानी डालना है और 2 मिनट में जो है प्रेशर कुक करके इसको नेचुरली रिलीज कर लेना है। और उसके बाद जो है आप इसको आइस कोल्ड वाटर में डाल के और फिर रखें थोड़ी देर, उसके बाद फ्रिज में रख दें, या अगर फ़ौरन यूज़ करना है तो पील करके आप फ़ौरन खा सकते हैं। दही भी ख़त्म हो गया था, तो मैं वीक का एक साथ बना लेती हूँ, तो वीक या 2 वीक्स चल जाते हैं। अगर जैसे रायता वगैरह ना बनाना हो बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है 2 वीक्स चल जाते हैं, वरना 1 वीक में जो है वो दही ख़त्म हो जाता है। तो कभी मैं 2 वीक्स का एक साथ बना लेती हूँ, कभी जो है सिर्फ 1 वीक का बनाती हूँ। रेसिपी डिटेल में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने जो है वो 3 किलो दूध लिया है, और उसको जो है बॉयल नहीं करना आपने, जैसे आप गर्म करते हैं ना ऊपर झाग आना शुरू जाती है लेकिन बॉयल नहीं होता, उस तक आपने इसको गर्म करना है। उसके बाद आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने दें। आपने इतना ठंडा होने देना है कि आप अपनी फिंगर जो है 10 सेकेंड्स के अंदर रख सकते हैं धुली हुई। उसके बाद आपके पास एक स्टार्टर दही होना चाहिए 1/2 कप, उसके अंदर जो है आप ये वाला दूध मिला के और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, कोई लम्स वगैरह ना हो, और अगर हों तो फ़ौरन से डाल के उसको जैसे विस्क करते हैं ना वो कर लें। तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, मतलब पूरी रात लगती है आपको, 10 घंटे। तो इसको आप पहले जो है बाहर ओवरनाइट रखें रूम टेम्परेचर पे ढक के, और उसके बाद जो है सुबह तक ये हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है इसको, अगर जैसे आपको थिक योगर्ट चाहिए तो आप उसको चीज़ स्लॉथ में डाल के और छन्नी में छान लें जैसे, तो पानी जो है उसके अंदर ड्रेन हो जाएगा कप के अंदर, लेकिन इस पानी को भी नहीं फेंकना, इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बड़े से जार में इतना सारा ग्रीक योगर्ट तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो उसके अंदर वापस वे का जो पानी है आप वो ऐड करके इसको पतला कर लें, लेकिन मुझे जो है थिक योगर्ट अच्छा लगता है। तो ये मैं खाना भी इसी में बनाती हूँ, रायता, और जो है सिंपल इसके ऊपर ग्रेनोला डाल के भी मैं ऐसे ही खाती हूँ। अच्छा, इसका जो पानी होता है ना वो आपने जो है सेव करके रखना है, इसी से पैनकेक्स बना सकते हैं, चावल इसमें बॉईल कर सकते हैं, और जो है इसके अंदर लस्सी बना सकते हैं। सिंपल इसको पी भी सकते हैं, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता। डो मेरी रेडी हो गई थी, 1 घंटा मैंने इसको रखा था, तो ये राइज हो गई थी। अब इसको जो है मैं निकाल के रोल जैसे करते हैं ना बिल्कुल, वो रोल कर लूँगी। आपने जो है वो इस तरह से इसके स्लाइसेस करने हैं जितने आप बड़ा, मतलब आपको पीटा चाहिए। मुझे स्मॉल मिनी साइज चाहिए थे, ताकि एक वक्त में बंदा 2 भी खा सकता है, 1 भी खा सकता है। इसी रेसिपी से जो है लवाश ब्रेड भी बन जाएगी, अगर उसको बहुत पतला करके आप बेलेंगे, और जो है इसी से जो है वो होल व्हीट पीटा ब्रेड भी बन जाएंगे। अगर आप आटा चेंज कर लें तो मैदे वाले जो है आपके बन जाएंगे, लेकिन मैं जो हूँ ज़रा अवॉइड करती हूँ वाइट फ्लावर अपने लिए, तो फिर मैं इस तरह बनाती हूँ। करना बस आपने ये, जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरह पेड़े लेने हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा थोड़ा बेल के और उसको साइड पे रखते जाना है, और थोड़ा अलग अलग रखना है, और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर बिछाते जाएं, और इसको 15-20 मिनट के लिए ना छोड़ दें, ताकि वो जैसे राइज होने लगे डो। इसको आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं करना और लो भी नहीं करना, मतलब अच्छा खासा गर्म होना चाहिए तवा। और जब आप इसको डालें तो बहुत ज़्यादा आप इसको हाथ ना लगाएं, इसको बस आपने स्पैचुला से जो है ना प्रेशर देना है थोड़ा सा, तो वो खुद ही फूलता जाएगा जैसे पूरी फूलती है। लेकिन बस ये है कि इसको फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना, बस तवे पर सेकते जाएंगे, और दोनों साइड से आप ब्राउन कर लें इसको। और जो है वो जब जैसे रखने लगे आप, तो कपड़े के अंदर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जब एक साथ सारी बन जाएँ तो फिर फ्रीज़ करेंगे।
यूज़ इस तरह करना है कि आप बीच में से इसको स्लाइस करेंगे तो दोनों तरफ से जो है वो बीच में से स्पेस हो जाएगी, आप उसके अंदर पॉकेट सी बन जाएगी, आप उसके अंदर कुछ रख लें और जो है इसके सैंडविचेस बना लें। आप वैसे बना के भी रख सकते हैं, कॉस्को में बड़ा एक चीज़ मिलती है चिकन मेल्ट के नाम से, वो इसी तरह से बने हुए होते हैं, उसके अंदर चिकन रखी हुई होती है। अच्छा, इसको जो है ना मैं इस तरह फ्रीज़ कर रही हूँ कि कुछ थोड़े से मैंने फ्रिज के अंदर रख लिए हैं क्योंकि इस वीक में जो है वो मैं खाऊंगी और ये ख़राब नहीं होता है। तो एक हफ्ते तक इसको आप रखे रहें और जब भी आप पूरी हीट करना हो हल्का सा तवे पे पानी का छींटा दे के इसको गर्म कर लें। इसी तरह इसे आप पकाएंगे ना इसको, ये इतनी सॉफ्ट रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब आधी जो है आप फ्रीज़ कर दें, जितनी आपको ज़रूरत है अपनी फ्रिज में रख लें। मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो अपना रूम का बेड वगैरह बना लेती हूँ और जो है लॉन्ड्री स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, उसके बाद वापस आई तो लाइब्रेरी जाना था, तो आज जो है ना बेड सही करने का लॉन्ड्री करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एक दफ़ा मैं शीट चेंज करती हूँ, इस तरह दो शीट्स जो है बिछा लेती हूँ, तो फिर ये कि ऊपर वाली वॉश कर लेती हूँ, नीचे वाली क्लीन होती है, या तो ये यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मुझे एक मैट्रेस प्रोटेक्टर चाहिए, जब तक वो नहीं आ जाएगा ना तो मैं नीचे एक शीट्स बिछा रही हूँ उसके ऊपर, क्योंकि नया मैट्रेस लिया है तो वो गंदा हो ही जाना है। रोज़ एक लोड ऑफ लॉन्ड्री कर लो ना तो बड़ी आसानी होती है। अब ये है कि जैसे मैंने चादर निकाली उसी वक्त ही, उस डे में अगर मैं धो लूँ तो बहुत आसानी रहती है और चादर भी धुल जाती है। नई चादर मेरे पास ऑलरेडी रखी होती है तो दो तीन मैंने चादरें बना ली हैं, तो बस वीक में हर वीक चेंज कर लेती हूँ मैं। टाइम ऐसा होता है कि इसमें अगर जैसे मुझे वीडियो बनानी होती है, एडिट करनी होती है या वॉइस ओवर करना होता है तो इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि घर में खामोशी होती है, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो शोर नहीं होता। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है वैसे करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो जो है हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल ही होता है। टाइम सुबह का बड़ा अच्छा होता है, अब अमल जैसे सो रही होती है तो इस टाइम पे मैं जो हूँ वो अगर मील प्रेप मुझे करनी होती है वो करती हूँ, ऊपर आके लॉन्ड्री करनी होती है, लॉन्ड्री ज़्यादातर जो हो जाती है उसको मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि उसी दिन फोल्ड करके रख दूँ। वैसे तो हर मॉर्निंग रूटीन डिफरेंट होता है, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट ही हो रहा होता है। कभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, कभी जो है वो बच्चे बीमार हैं, कभी स्कूल जाना है, छुट्टी है, तो हर दिन जो है ना डिफरेंट ही होता है थोड़ा सा मेरा। कमल का मूड इतना ख़राब था, पता नहीं सो के उठी है तो बस वो चिड़चिड़ करने लगी और जो तंग कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में सही हो गई थी, शायद सो के उठी थी तो इसलिए जो है थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो गई थी। फाइनली हमने जो है ना वो क्रिब का मैट्रेस ऑर्डर कर दिया है और ये भी चेंज कर लिया है। ये जो क्रिब है ये जब मिशाल हुई थी ना मैंने उस वक्त ख़रीदा था, तो ये 7 ईयर ओल्ड हो चुका है मिशाल के जितना है, तो ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी और ये वैसे का वैसा ही है। थोड़ा ये है कि उसका पेंट उतर गया है और थोड़े से वेयर एंड टेयर हो गया, लेकिन जो है इसकी क्वालिटी अभी तक वैसी है। इसमें ये भी था कि आप इसको बेड बना सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ जब कर सकेंगे तो ज़रूर कर लूँगी, वरना इसको सेल कर देंगे। तो जब क्रिब लिया था तो उसके साथ मैट्रेस भी लिया था, तो मैट्रेस को मैं इतना अच्छा प्रोटेक्ट करके मैंने रखा हुआ था, उसके ऊपर मैट्रेस का प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ था, शीट्स भी दो दो बिछाती थी, तो काफ़ी जो है प्रोटेक्टेड रहा वो। लेकिन वो अब जो है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी पुराना हो गया था, उसमें से स्मेल सी आ रही थी, जबकि कोई ऐसा नहीं था कि उसके अंदर डायपर लीक हो रहा है या कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर से ना और स्मेल भी आ रही थी रखने वाली जैसे होती है, और जो है ना फूल गया था। तो मैंने कहा बहुत पुराना हो गया है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि देखने में बिल्कुल न्यू लगता है। क्रिब और मैट्रेस दोनों अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे, और जो दूसरा ऑर्डर किया उसमें साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क था, थोड़ा पतला था वो, लेकिन जो है वो भी ग्रैको का ही था और अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था, तो 2 डेज़ में आ गया था आराम से। इसके ऊपर जो है एक मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा दिया, उससे कि वो कुछ भी गिरता है ना तो फिर वो मैट्रेस तक नहीं जाता, और अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाहिर अब छोटी अमल तो वो चीज़ें गिराती रहती है, कभी दूध गिरा देती है, कभी डायपर लीक हो जाता है, लेकिन फिर मैं दो शीट्स बिछा के और बार बार उसको रेगुलरली क्लीन कर लेती हूँ, तो वो जो है बिल्कुल क्लीन रहता है मैट्रेस। यहाँ मेरी जो है सुबह का अख्तितम हो जाता है और दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।